कोई बेनिफिट नहीं। इट डजेंट मैटर यू आर वर्किंग विद समवन फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और यू आर ओनली फॉर वर्किंग ऑन ओनली योर ओन फोन, ठीक है। अगर आपका जो मोटिवेशन है और डेडिकेशन है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो और एक दिन वो बूम करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप लाया जैकपॉट लग गया बस अभी हम लोग हो गए। इसमें आपका क्या मतलब यूज आता है ये सब जो ब्लॉगिंग लाइक आप रील के लिए करते हो, इस सब में व्यूज अच्छा खासा आता है क्या आता है? ये डिपेंड करता है तेरा कंटेंट कैसा है। तो व्यूज ऐसा मतलब नहीं है कि आप मतलब डाले और मतलब मिलियंस लोग देख रहे हैं, बस के लिए एंगेजमेंट आपका अच्छा है तो आप अच्छा करता है। आ रही है ट्रेन उधर से जाओ। एंगेजमेंट कैसा है आपका, रिचनेस कैसा है आपका, कंटेंट कैसे डाल रहे हो, एवरीडे डाल रहे हो, वीकेंड डाल रहे हो? एक्चुअली मेरा अभी एक महीने से मैंने कुछ नहीं डाला, लाइक हो गया क्या 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 एक महीने से मैंने अपलोड नहीं करा स्टार्टिंग में। हाँ तो कोई बात नहीं, आप कर लो। अरे यार एक बात बताओ, आप कहीं शहर में कमाने जाते हो, आप वहाँ नहीं कमा पाए, ऐसा मतलब आप तो ऐसा नहीं कि कमाना छोड़ देते, आप दूसरे शहर जाते हो, दूसरा जॉब ट्राई करते हो, आप शुरू करते हो ना। दैट इज द थिंग कि आपका यूथ सेम चीज़ है। अगर आपको फर्स्ट आपने स्टार्ट किया था कॉन्टेंट, आपका कॉन्टेंट नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं आप दे पा रहे हो, तो अब सीधे आप नई चीज़ से स्टार्ट करते हो ना। हाँ बट ये है कि हमेशा फ्लैक्चुएट नहीं होते रहो, फ्लैक्चुएशन आपका ग्रोथ नहीं है, कंटिन्यूटी ग्रोथ है आपका। हाँ एक्सप्लोर कर रहे हो, हाँ ठीक है, हाँ तो अच्छा है ना। मतलब दिल्ली से स्टार्ट किया था, दिल्ली से मैं मुंबई आया, मुंबई का हाँ मुंबई में प्लेस में सेकंड सेकंड हाँ हाँ मैं यहाँ से मैं सऊदी जा रहा हूँ, सऊदी जाऊँगा। तो अच्छा है ना यार, तुम तो और तुम्हारा तो हाँ चलो अच्छा है। तो भी कॉन्टेंट रहेगा, सऊदी के बारे में बताऊँगा लाइक। सबसे पहले ना माइंड सेट करो तुम पहले, कि माइंड सेट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। जैसे मुझे जाना है CST तो मुझे CST ही जाना है। अब इन बिटवीन ऐसा नहीं कि मैं बिजनेर उतर गया, सीवरी उतर गया, तो मैं पूछा यार वहाँ पर CST पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप बीच बीच में उतर तो रहे हो ना, तो आपको तो टाइम लगेगा पहुँचने में। वन डायरेक्शन होगा तो आपका क्लियर विजन होगा, आपका विजन क्लियर है तो आप सब कुछ क्लियर रख सकते हो, अदरवाइज यू कान डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर लो, आप बड़े यूट्यूबर्स को मत देखो, उन लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा रीच आ रहा है। आप खुद को एनालाइज करो कि हम क्या कर सकते, वो कंटेंट को आप खुद को कितना देर देख सकते हो, ऐसे एनालाइज करके आप कंटेंट बनाओ। सपोज कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है चलो मैं कंटेंट बनाया है, आप मेरी वीडियो कितना देर तक देखते हो, दिस इज द थिंग। हम आपको इंगेज कैसे करें ये आपको रखना है। बहुत सारे ऐसा है, थाउजेंड आपका कैटेगरी है, एक कैटेगरी लेकर के आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बना रहे हो, वो आपको ऐसा है ना, मतलब जैसे कि मैं कोई भी कैटेगरी का डाल सकते हैं ना, एवरी थिंग यार, ये कुछ नहीं बोलता, यूट्यूब बोलता है तुम गाली भी दो चलेगा मेरे को, वो कोई नहीं डिनाई करता है, बट तुम्हारा एक विजन होना चाहिए, विजन क्लियर होना तो हर कुछ।